हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग क्या, गुड इवनिंग. ये रात की क्लिप है. तो आज मैंने बनाया था रोटी और आलू मेथी की सब्जी. और यहाँ मैं भूंज रही थी चूरा मूंगफली. तो मटर नहीं डाला था, तो हमने ऐसे ही सूखे सूखे लहसुन प्याज मिर्चा से छौंक लगा करके और मूंगफली भून करके और चूरा अच्छे से धीरे आँच में इसको भून रही थी. तो बस खाने ठीक है का मन उम्मीद, था कैसे इसी हो? वजह चलो से. भाई, आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो बस यहाँ पर बन रही है मेरी ये देखिए इवनिंग की चाय. तो आज हम जो है क्या चाय बना रहे हैं, गुड़ की चाय बना रहे हैं. और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड आए हैं, देसी गुड़ लेके आए हैं. गुड़ देखिए, मैं आपको दिखा, ये ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, मेरे हस्बैंड गुड़ लाए हैं और ये है देसी गुड़. और सच में ना देख इतना लीजिए मतलब आप. टेस्टी है खाने में कि अब क्या बताएं. बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो है, ये एक जगह गए थे तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गुड़ वहाँ पे बांध रहा था जो है, तो फिर ये लेते आए. देखा आप लोगों ने, वो इनके एक लोग परिचय के हैं, तो वहाँ पर गन्ना ताज़ा ताज़ा मतलब गन्ने का जो है गुड़ बन रहा था, तो फिर ये लेकर के आए हैं जो है. तो अभी मुझे इसको डिब्बे में स्टोर करना है, तो मैंने कहा चलो आज मैं चीनी की नहीं गुड़ की चाय बनाती हूँ. और गुड़ की चाय ना सच में ना बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है. और हमारे लोगों के यहाँ अभी जो है ना इतना ज़्यादा मतलब बदली किया है, आज सुबह से मौसम बहुत ख़राब है, एकदम बदली बदली जैसा किया है और पूरा शरीर दर्द कर रहा है. ये बदली जब भी करता है और पुरवाई चलती है ना, तो मेरा शरीर पूरा दर्द करता है. आप लोग देख रहे होंगे मेरे चेहरे में ना स्वेलिंग भी है. तो ये हवा मुझे बहुत नुकसान करता है, क्योंकि मुझे ठंड से जो है एलर्जी भी है. ये यहाँ पर ये देखिए. और अभी हम भी गए थे जो है मार्केट, थोड़ा सा गए थे, कुछ सामान खाने पीने का ख़त्म था तो वही लेने गए थे, वही जो अगली बार आप लोगों से शेयर किए थे वही सामान फिर लेने गए थे जो है वही बिस्किट टोस्ट वगैरह यही सब चीज़ें. और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाता है रोज़ सुबह नाश्ते में, मतलब ये सब चीज़ खाया जाता है तो ख़त्म हो जाता है. तो यहाँ पे मेरा देखिए ये दूध भी पक गया, यहाँ पे मेरी चाय पक रही है. तो हम चलते हैं पहले बाहर, अपने सास ससुर को चाय हम दे देते हैं, ठीक है? फिर आपसे मिलते हैं. ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार में ही खो गया. ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार में ही खो गया. ये जिंदगी उसी की. हेलो, गुड नाइट, कैसे हो माय फ्रेंड्स, आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे. स्वस्थ रहो, हंसते हुए रहो अपने घर में जो है. तो जी हाँ, आज मैंने कोई वीडियो अपनी शेयर नहीं की. मैं आप लोगों से बता दूँ, इधर एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही. पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता. पहले तो उधर 2-3 दिन फीवर आ रहा था, दवा खाई ठीक हो गया. अंदर से फीवर मेरे को बना था, मैंने सोचा चलो ठीक हो गया है. फिर मैंने नहा लिया जो है, और लेकिन मेरा सर गर्म ही था, आग भी जल रही थी और तबीयत ठीक है. आप लोग देख रहे होंगे मेरा फेस भी अजीब सा उतरा है, स्वेलिंग है, फिर मतलब भबरिया है. मुझे ठंड से ना एलर्जी भी है. और शरीर हमारी जो है क्या है ना, बादीपन शरीर है, फूले शरीर है. कुछ भी मौसम ज़रा सा बदरी वाला होता है या पुरवाई चल रही है ना, तो मेरे पूरे शरीर में जो है समझ लीजिए दर्द है, हर जोड़ों में, कंधे में, यहाँ पे, और ये उंगलियाँ वगैरह ना स्वेलिंग हो जाती. ऐसे नहीं करते बनता है, क्योंकि मुझे हल्का सा अथराइटिस का लक्षण है जो है. मेरी दवा चल रही है इलाहाबाद में. तो फिर मुझे रात से फीवर था, फिर मैं गई डॉक्टर को दिखा के आई. उन्होंने कहा खूब बुखार है और मुझे ना ठंडा लग रहा था जो है. तो फिर दवा खाई हूँ तो आराम है. कल से हमारे तरफ इतनी तेज़ हवा चल रही है और मौसम जो है बदली भी किया हुआ है, तो क्या है ना पुरवाई चल रही है. पुरवाई मेरे को बहुत ही नुकसान करता है. जहाँ भी मौसम यदि बदली वाला रहता है तो सीधे ही मेरे शरीर पर जैसे अटैक करता है. ये सारा कुछ, ये कंधा है, ये सब मतलब सब चीज़ मतलब जकड़ा जकड़ा जैसे है पूरा. और घुटना भी मेरा जकड़ा है कल से जो है. तो मैंने अभी दवा भी खाई है जो है. और ये देखिए मैं कुछ बनाने जा रही हूँ अपने लिए. क्या करूँ यार, बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि घर के काम भी करने पड़ते हैं. अगर बीमार पड़ जाओ
आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं नहाई भी नहीं, मुझे ठंडा लग रहा था, मैंने कपड़ा ही बदल लिया है, आज पूरा टाइम हो गया, बस कपड़ा बदल के ही हूँ, नहाया ही नहीं, नहीं मतलब मुझे ये डर लग रहा था नहा लूँ कहीं फिर से ना मुझे बुखार आ जाए। फिर अभी वही मैं सोच रही हूँ अपने लिए कुछ बना लूँ, तो मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच मेथी और 1.5 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच सौंफ लूँगी। तो इन सबको मैं भून करके और पाउडर बना के रख लूँगी, सवेरे गर्म पानी में इन्हें पीऊँगी, क्योंकि मेथी भी फ़ायदेमंद है, अजवाइन भी फ़ायदेमंद है, जीरा भी है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अजवाइन कहीं भी शरीर में पेन हो स्वेलिंग हो ठीक करता है, और मेथी वैसे भी फ़ायदेमंद होता है गठिया के लिए अथराइटिस के लिए, और सौंफ पाचक को सही करता है। तो वही मैं एक लोगों से मैंने देख पूछा है, तो वो कहें आप इसी को भून करके आप बना के रखिए, सवेरे गर्म पानी में पीजिए। और मेरा ये ना मोटापा क्या कहूँ मैं, मेरे शरीर में स्वेलिंग है, फूली शरीर है, और एक जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तुरंत लक्षित हो जाती हूँ मैं जो है, और क्या करूँ भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ा डाइटिंग करने के लिए सोचती हूँ लेकिन भूख लगती ही खाना पड़ता है, और ये भी नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक दो रोटी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ दिन भर खाते रहते हैं, नहीं ऐसी आदत नहीं है, दो ही बार खाना खाते, पर शरीर ही ऐसी स्वेलिंग वाली है कि अब हम क्या बताएं, पूरी बादी शरीर है, अगर मैं बैगन खा लूँ कोई भी बादी वाली चीज़ें खा लूँ ना तो पूरा चेहरा सूज जाएगा और तुरंत शरीरों में पेन आ जाएगा जो है। तो कल से पुरवाई चल रही है ना, तो ऐसे लगता है पूरा शरीर में मेरे ही अटैक है, पूरा पुरवाई का हर जगह जोड़ जोड़ में अकड़न है, दर्द है, स्वेलिंग है, क्या बताऊँ। अभी दवा भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं चल रही है, कभी कभी तो बिल्कुल हताश हो जाती हूँ जिस तकलीफ़ देख करके ना क्या होता है जो, पर कोई बात नहीं, इसीलिए हमने इधर मेरी एक दो दिन से वीडियो अच्छे से नहीं जा रही है, थोड़ा बहुत बनाती हूँ वही शेयर कर देती हूँ, कभी गाना शेयर कर देती हूँ कभी कुछ भी, और कल तो बैठे बैठे मैंने एक तो कुछ लिखा था तो वोट के संबंधित में, तो आप लोगों से शेयर कर दिया था, और सही बात भी है, वोट आप लोग ऐसे लोगों को दीजिए जो जनता के हित में काम करें, है ना, और नहीं तो बड़े बड़े वादे तो सभी नेताएं करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बन जाने पर कुछ नहीं है, देख ही रहे हो देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है, सब चीज़ महंगा हो गया है, जो नौकरी पेशा वाले हैं थे बेचारे गरीब तो भूखे मरे, गैस महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ तो महंगा है, सस्ता क्या है, सस्ता यहाँ पर केवल इंसान है बस और कोई नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ अजवाइन भी तेल में गर्मा करके, वो देखिए देखिए दर्द हो रहा है, मतलब दर्द क्या है ना पूरा ये जकड़ा है जो है, तो अभी अजवाइन सरसों के तेल में मतलब गर्मा के अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा लगाऊंगी जो है, हाथ में भी यहाँ इसमें हाथों में भी लगाऊंगी और इसे पैरों में भी लगाऊंगी। हम देख रहे हो मेरा चेहरा भी स्वेलिंग है जो है, ये देखिए ये सब मौसम का कमाल है, और ऐसी शरीर है कि क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है जो, खाना भी स्किप नहीं कर सकते, भूख लगती है, घर के काम है, जिम्मेदारियां हैं, करें क्या, ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कभी कभी। तो बस वही अभी हमने निकाल लिया, हमने कहा चले इसको मैं भून लेती हूँ, भून करके इसको पीस लेती हूँ, और आपकी तो ठंडी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है कि ठंडी जाने का नाम ले, अभी तक ठंडी पड़ रही है, देख रहे पिछले साल ठंडी कब की चली गई, अभी देखिए शिवरात्रि भी आने वाली है, अभी मैंने कैलेंडर पे देखा नहीं है कै तारीख को है, अभी मैंने देखा भी नहीं है कि कै तारीख को है शिवरात्रि, तो चलिए ठीक है। और हाँ आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मैं आप लोगों से बता रही थी कि कुछ सरप्राइज़ है, तो जी हाँ सरप्राइज़ है, मेरा जो है मोबाइल आ गया है, और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा मोबाइल है MI Note 11 जो 16,000 का पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा जो पुराना मोबाइल था वो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ था, गड़बड़ क्या था, उसका कैमरा वगैरह ठीक था लेकिन स्पीकर आवाज़ उसकी थोड़ा सा गड़बड़ थी जो है, तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो मैंने कहा ठीक है मंगा लो, तुम वीडियो बनाती हो तो मंगा लो जो है, तो फिर मैंने अपने बड़े वाले बेटे को कहा, तो उसने देखा फिर ऑर्डर किया, तो परसों मुझे रिसीव हो गया है जो है, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है अनबॉक्सिंग करके जो है, तो आप लोगों को ज़रूर मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी, मैंने कहा चलिए आप लोग को बता देती हूँ, और क्योंकि जैसे ही आया तो बेटा ही अपना खोला वगैरह, तो वो मतलब इधर से उधर सिम सब पलट पलट दिया, तो मुझे मतलब ये मोबाइल की वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला जो है, हमने कहा चलो बता देते हैं,
और ये मैं उसी नए मोबाइल से ही वीडियो बना रही हूँ 2 दिन से। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसमें काफ़ी ऐसे फंक्शन हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो मुझे थोड़ा सा अभी वीडियो भी एडिट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो है कि पहले मैं किसी और ऐप से अपलोड करती थी, अब कोई और ऐप है, तो इसमें काफ़ी ऐसे फंक्शन हैं जो एडिट करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही। कल तो मुझे 1 बज गया था जब मैं वो आप लोगों को छोटा सा गाना जो है आप लोगों तक अपलोड की थी, तो अभी धीरे धीरे इसको सीखने में मुझे 2-3-4 दिन तो लगेगा ही जो है। तो बस यही था सरप्राइज़ कि मेरा मोबाइल आ गया है जो है, और मैं अभी आप लोगों को उसकी वीडियो थोड़ा सा बीटा बनाया है, तो वो वीडियो मैं आप लोग तक ज़रूर शेयर कर दूँगी। कौन सा मोबाइल है आप लोग भी देख लीजिएगा जो है, मैंने बता ही दिया है MI Note 11 है, ये 16,000 का पड़ा हुआ है जो है। मुझे काफ़ी हस्बैंड जो है काफ़ी खुशी हुई, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ये सरप्राइज़ दिया और मोबाइल दिया, वो पहले ही बात कर चुके थे जो है, तो मेरे कहने की देरी थी, आ गया जो है परसों। तो ठीक है, और मैं एक बात भी बता दूँ, मुझे मोबाइल वगैरह का ज़्यादा शौक़ नहीं है, मतलब चाहती तो अभी कभी कभी ही मैं ले लेती, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं था मोबाइल का। लेकिन जब से मैं YouTube पर आई हूँ, अपना मतलब अपने YouTube पर वीडियो डालने लगी हूँ, तब से थोड़ा सा मतलब मोबाइल का मुझे भी वो कहते नहीं है लत लग गई है। तो भाई अब वीडियो बना रहे हैं और उसमें सब कुछ ठीक था, केवल उसका स्पीकर आवाज़ कम आता था, इसीलिए हमने चेंज कर दिया। तो अपने हस्बैंड से कहा, तो कहीं ठीक है ले लो, तुम वीडियो बनाती हूँ ले लो, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो परसों आ गया, तो ठीक है छोटा सा वीडियो बना है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कहा चलिए आपको बता देती हूँ, कहीं तो थी मैं कि आपसे ही पहले ही आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो आया तो बेटा खोला वगैरह सब वही अपना, तो इस वजह से थोड़ा सा। और इस फ़ोन के बारे में भी मुझे कुछ उतना जानकारी नहीं, इसमें काफ़ी फंक्शन बहुत वो मेरे पुराने फ़ोन से काफ़ी अलग है ये, और वो मेरा पुराना फ़ोन ओप्पो का था, तो उसमें काफ़ी कुछ अलग था, इसमें काफ़ी कुछ अलग है जो। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। और आप लोग भी, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो अपना ध्यान रखो, सावधानी रखो, ठीक है, रखते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। चलिए हम दे आते हैं, हमने दुपट्टा ओढ़ लिया है, तो दे आते हैं हम उनको चाय। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा मेरा मोबाइल आया है। तो जी हाँ, देखिए आज ये रिसीव हुआ है, तो हमने कहा चलिए आपको हम दिखा देते हैं जो है। तो बस ये छोटा वाला बेटा ही मेरा ये खोल रहा था जो है, तो बस आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज मुझे मोबाइल मेरा आ गया था, और मेरा वो मोबाइल कुछ थोड़ा सा उसकी साउंड गड़बड़ रहती थी, इसीलिए हमने कहा चलो चेंज कर देते हैं। तो बस ये मोबाइल है MI Note 11 जो है, ये 16,000 का पड़ा है जो है। तो चलिए आप लोग भी देखिए जो है, और सच में ना बहुत ही प्यारा मोबाइल है, और इसके 2-3 कलर थे पर मुझे नीला कलर ज़्यादा पसंद आया है जो है। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी देखिए जो है। तो बस अब मैं इसी से अपना वीडियो मतलब अब बनाऊंगी जो है। तो ये देखिए मेरा बेटा ये खोल रहा है, तो काफ़ी बड़ा भी है, अच्छा है ये, और अभी ये मोबाइल नया लॉन्च हुआ है जो है। तो ये मेरा बड़ा बेटा ही ऑर्डर किया है, उसी ने देखा है, उसी ने जो है ऑर्डर किया, तो बस आज ये रिसीव हो गया है। तो हमने कहा चलिए सबसे पहले आपसे भी हम शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने कहा भी था कि आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर मेरा बेटा सारा कुछ मतलब खोल रहा था, अनबॉक्सिंग वही कर रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए चार्जर क्लिप है, और ये तो ये रहा मोबाइल खुल गया है, और ये देखिए ये कलर है, तो मुझे यही कलर बहुत ही प्यारा लगा था, नीला कलर। तो हमने कहा मुझे नीला कलर लेना है, क्योंकि मैं कई कलर के मोबाइल यूज़ कर चुकी थी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है जो है ये सेट, ये देखिए। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा मोबाइल, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।